पकड़ा माइक भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी बुजुर्ग साथी दिवस की स्वतंत्रता दिवस की वंदे 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 माता की लेकिन आजादी जो अस गल करने एक फरमान निकलिया कि जेड़ा कोई आवाज चुकेगा मैजिस्ट्रेट करना होगा पुलिस करना होगा पर उस टाइम एफ आई आर लाई अंदर ठोकी दो। क्या इस दिन बस सारे बुजुर्ग संघर्ष किया है सारा भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा उस संविधान सानू संविधान के दायरे च रही अपनी आवाज चुकने का मौका सानू दिंदा है और सानू हक दिंदा है कि अगर अस सरकार की किस पॉलिसी कन्नै अस इतफाक नहीं रखते अस अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अस अपनी आवाज अपना ऑपोजिशन दर्ज कराई सकने हैं। लेकिन अज क्या दौर आई है कि असें गी इत्थे आवाज चुकने पर आखदे कि अंदर टोकी देना। मैं नवा नवा वकील बनिया और मैं तुसें गी आखना चाहना कि पार्टी कुसै दी कोई भी है लेकिन साढ़े समाज च अगर कहां पर भी कोई परेशानी दिक्कत आती जिस हिसाब कन्नै भी साढ़े कोल मदद होगा अस तुंदी मदद करगे। एह्दे च कोई ओह नहीं है कि अपने हक वास्ते लड़ना दिक्खो कोई गलत काम नहीं करना। गलत काम तो सारे इत्थे डेफिनेशन नहीं देगा गलत काम च नहीं पौना क्योंकि मैं दिक्खा दा साढ़े इलाके च अगर अस दिखचै पिछले दो महीने च सिर्फ नशे कन्नै गै बड़ी सारी जाना चली दी ने। असें उस चीजा को बचना है। मैं एज ए वकील भी तुसें आखा मैं कल कोर्ट ही जाना मेरे को मेरी कम्युनिटी का कोई NDPS की जमानत ले आग ना कि फिर मेरे को भुक्की फड़कोई चिट्टा फड़कोई तो मेरी जमानत कराई ओड़ फिर उस वेला भी तुंदा भरा है नहीं पैसे भावे तुम मिगी वध देगे लेकिन नहीं वह काम नहीं हुंदा। हाँ अगर तुम कुदा हक की लड़ाई लड़ा दे तुंदे कन्नै कोई जबरदस्ती करा दे कोई जुल्म होआ दा उत्तां तुंदी आवाज चुकगे सारी संस्था भी चुकग और बीइंग ए लॉयर अस भी चुके लेकिन नशे च जा कोई गलत काम है तुसी इन्वॉल्व हो गयो ते साडी तरफ दूरा का नमस्ते। सारी बटवाल महासभा इंदा वेलकम कर दी है और इन्हें की मुबारकबाद दें दी है। ग्राम बोल दिया करके ला आ उदे प्रभारी होंगे सी सारी कमेटी की इंदी जड़ी गाइडलाइन चाहिए है ये अपनी गाइडलाइन दे विच इस कमेटी जेड़ा है वो चलान के शुक्रिया बाल महासभा दे अजय लखोत्रा जी अजय लखोत्रा जी अजय लखोत्रा जी साड़ी जेड़ी यूथ विंग है एदे चेयरमैन बनाए गए और जा तरी अगली इलेक्शन नहीं होग अज को लीए तद तरी ये जरा यूथ कमेटी है वो चेयरमैन पटवाल महासभा के जनरल सैकटरी मैं रिटायर सूबेदार मेजर रमेश रगोत्रा प्रेसिडेंट ऑफ बटवाल महासभा जम्मू एंड कश्मीर। आज बटवाल महासभा और आम जनता इकट्ठी होकर संबलपुर गांव में 77
इंडिपेंडेंट डे के उपलक्ष्य में तिरंगा झंडा चढ़ाया गया है। 1947 में हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, आज ही के दिन तिरंगा झंडा चढ़ाया गया था। तब से रूटीन हर साल ये तिरंगा झंडा चढ़ाया जाता है। मैं तमाम उन महापुरुषों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने 47 के पहले अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुगल से आज़ाद करवा के हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाई थी। और मैं उन सैनिकों को, वीर सैनिकों को भी, सेना को भी सल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी जान पर बाजी खेलकर हिंदुस्तान की रक्षा की है। साथियों, आज मैं आपके माध्यम से, चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पहले हमारा देश 47 से पहले अंग्रेज़ों के गुलाम रहता था। ना हमारे पास कोई एजुकेशन के साधन थे, ना कोई इंडस्ट्री एरिया था, ना किसी किस्म की हमें पढ़ाई की और किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तब से हमारे बहुत ही डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से हर एक काम गवर्नमेंट के आज्ञा के अनुसार कर सकते हैं। साथियों, मैं आपके चैनल से ये हर एक पूरे भारतवर्ष के जनता को ये मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में झंडे का प्रोग्राम किया जा रहा है, और साथ ही मैं अपने नौजवान युवा को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के बिना कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर पढ़ाई करके बच्चे अच्छी काम करेंगे, अच्छी उन्नति करेंगे, तो हिंदुस्तान का नाम ऑटोमेटिकली रोशन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बटवाल साहब, बटवाल साहब जम्मू व कश्मीर चेयरमैन श्री कमल सिंह कैद जी, साढ़े कटवाल महासभा प्रेसिडेंट रमेश सरगोत्रा जी, उंदे कन्नै कटवाल महासभा दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर रमेश कैस जी, उंदे कन्नै बैठे दे श्री बलबीर चंद जी, डीडीसी मढ़।